हिंसा की आग में झुलसे मुजफ्फरनगर में जारी है सियासी नेताओं के दौरे। अखिलेश, मनमोहन, सोनिया, राहुल के बाद आज मुजफ्फरनगर दौरे पर जाएंगे मुलायम। रोहतक में झूठी शान में प्रेमी जोड़े की हत्या। न्यायिक हिरासत में लड़की के परिवार वाले आरोपी पिता ने कहा कि ये पर कोई अफसोस नहीं, जो किया सही किया। हरियाणा के बहुचर्चित मिर्चपुर कांड में आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। दलित बाप बेटी को जिंदा जलाकर मारने का है मामला। हड़ताल पर गए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर। महिला डॉक्टर पर एक मरीज के परिजनों के हमले के खिलाफ गुस्से में है डॉक्टर। जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम का नया पैतरा। साधकों को खत लिखकर की शांति और सद्भावना की अपील। गिरफ्तारी से पहले दी थी लाशें बिछ जाने की धमकी। रेप के आरोपी राजस्थान के डेयरी मंत्री बाबूलाल नागर का इस्तीफा। आरोपों को किया सिरे से खारिज, कहा सियासी विरोधियों का बना शिकार। आंध्र प्रदेश में 35 साल की महिला के साथ गैंग रेप। होमगार्ड और पुलिस सिपाही समेत 4 लोगों पर बलात्कार का इल्जाम। चारों आरोपी गिरफ्तार। पटना के मगध महिला कॉलेज का तुगलकी फरमान। लड़कियों के स्लीवलेस और टॉप पहनने पर पाबंदी। ड्रेस कोड के खिलाफ गुस्से में कॉलेज की लड़कियां। कमरतोड़ महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे की तैयारी में सरकार। केंद्रीय कैबिनेट में आज होगी महंगाई भत्ते में 10% इजाफे पर चर्चा। रघुराम राजन की अगुवाई में आरबीआई की पहली मौद्रिक समीक्षा का ऐलान आज। बड़ा सवाल, क्या घटेगी ब्याज दरें? बढ़ती महंगाई पर कैसे लगेगी लगाम?